आज के लोगों के लिए समय कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता ही होगा और आप सभी के घरों में घड़ी तो जरूर ही होगी, मगर कभी आपने ये सोचा है घड़ी का आविष्कार कब और कैसे हुआ है और सबसे पहले घड़ी किसने बनाई थी? आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह बात है उस समय की जब पीटर हेलेन ने घड़ी का आविष्कार किया था। घड़ी के आविष्कार को दुनिया के प्रमुख आविष्कारों में गिना जाता है। अगर घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ होता तो शायद आज हम टाइम का सही पता नहीं लगा सकते और आज की दुनिया जितनी विकसित है शायद उतनी विकसित नहीं होती। वैसे तो घड़ी के आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता है। प्राचीन काल में विभिन्न सभ्यताओं ने समय का पता लगाने के लिए अपने अपने तरीके खोज लिए थे। किसी ने सूर्य को देखकर समय का पता लगाया तो किसी ने जल घड़ी का आविष्कार किया, मगर उस समय में टाइम का एक्यूरेट पता नहीं लगा सकते थे। अगर हम इतिहास को देखें तो पीटर हेलेन को घड़ी बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। पीटर वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्लॉक वॉच का आविष्कार किया था। इस यंत्र से टाइम का कुछ हद तक सही पता लगाया जा सकता था। पीटर की टेक्निक का सहारा लेकर कई लोगों ने आगे चलकर और भी आधुनिक घड़ियों का आविष्कार किया। अब यह घड़ी साइज में बहुत ही छोटी हो गई थी, वो टाइम भी बिल्कुल सही बताती है। अगर आपको ऐसा लगता है पीटर हेलेन की घड़ी बनाने से पहले लोगों को टाइम का पता नहीं लगता होगा तो आप गलत हैं। पहले के लोग सूर्य को देखकर ही समय का पता लगा लेते थे, लेकिन सटीक समय देखने के लिए भी लोगों के पास उपकरण मौजूद थे। आपको भारत में ही 5 जगहों पर जंतर मंतर जैसी चीज देखने को मिल जाएगी जिससे टाइम का बिल्कुल सही पता लगाया जा सकता था। पीटर हेलेन के अलावा भी पोप सिल्वेस्ट द्वितीय को भी घड़ी के आविष्कार का श्रेय जाता है, जिन्होंने सन 996 में एक ऐसा यंत्र बना लिया था जो समय बता सकता था। मगर सन 1200 आते आते इंग्लैंड के घंटा घरों में घड़ियां लगानी शुरू हो चुकी थी। इनके अलावा भी इतिहास में कई सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने घड़ी ऐसा यंत्र बनाया है जो टाइम बता सकता था। अगर आप भारत के कोणार्क सूर्य टेम्पल को देखें तो आपको पता चल ही जाएगा, इस मंदिर में भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करी है जो समय बता सकती है। भारत के अलावा भी विदेशों में भी घड़ी के आविष्कारों पर घड़ी पर अपना अपना सहयोग दिया है। आशा करूंगा ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं प्रदीप राजपूत, हम ऐसी जानकारी लाते रहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।